साथियों नमस्कार, मैं उपेन यादव। एक ऐतिहासिक परीक्षा का आयोजन 26 सितंबर को होने वाला है। तमाम जो 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं, उनके लिए मेरा विशेष संदेश और मेरी अपील है, आप लोग 26 तारीख तक, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, सोशल मीडिया से दूर रहे। क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ लोग कमेंट्स, लाइक और पैसे कमाने के लिए कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, आपका ध्यान भंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों पूरी सरकार इसमें लगी हुई है, मुख्यमंत्री जी लगे हैं, मुख्य सचिव लगे हैं, डीजी लगे हुए हैं और मातृशिक्षा बोर्ड के अधिकारी लगे हुए हैं, उन डमिया बिरतियों को पकड़ने के लिए, फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए। और लगातार मैं कोशिश कर रहा हूं, कुछ जो सुझाव मैंने दिए उन सुझावों को सरकार ने अपनाया भी है और लागू भी किया है। साथियों लाइव में आप लोगों को मैंने बताया था, चाहे वो प्राइवेट स्कूल यदि लिप्त पाई जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई का नियम हो, चाहे कर्मचारी को बर्खास्त करने का नियम हो, चाहे नेट बंद करने का नियम हो, कई ऐसे सुझाव दिए हैं जिसको सरकार ने अपनाया है, जो छात्र हित में है। साथियों लगातार मैं कर्मचारी अधिकारियों के संपर्क में हूं, यदि कोई शिकायत मिलती है, मैं कल भी सीएमओ में जाके शिकायत करके आऊ कुछ डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ। और कुछ जो लोग इसमें बेईमानी करने के लिए, नकल करने के लिए डमी अभ्यर्थी बिठाने की कोशिश करेंगे, उनको भी ऑन द स्पॉट पकड़ा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी उसके लिए भी योजना बना रहे हैं। लेकिन आप सबके लिए मेरा यह निवेदन है, यदि आपको भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या ऐसे गतिविधियां दिखे कि पेपर लीक करने की कोशिश की जा रही है, नकल करने की कोशिश की जा रही है, कुछ लोग बाहर के अराजक तत्व आए हुए हैं, तो आप सीधे एसओजी के नंबर पर, जो मैंने ट्वीट और फेसबुक पर भी डाला है, ट्विटर पर भी डाला है, तो आप सीधा उनको कॉल कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। और जो हर जिले वाइज जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, वहां बता सकते हो आपकी समस्या। साथियों माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मीटिंग लेकर इस समस्या का निस्तारण करेंगे, भर्ती पारदर्शिता के साथ हो। और 16 लाख से ज्यादा बेरोजगार, ये नहीं कहें कि भर्ती में फर्जीवाड़ा है, पेपर लीक हुआ, पहले से मुख्यमंत्री जी हैं जो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो साथियों हमारी भी जिम्मेदारी है, सतर्क रहे, सावधान रहे, जहां कोई गलती करे, कोई गड़बड़ी करे, उसकी सूचना संबंधित थाने टोल फ्री नंबर पर दें। साथियों जो कुछ भी हो, लगातार मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूं, जहां जहां आप लोगों की समस्या आई, मैं समस्या का समाधान करवाने के लिए मैं प्रयास करता हूं। अभी जो समस्या आई थी कि कोई व्यक्ति बाहरी जिले, जैसे मान लीजिए भरतपुर का रहने वाला है, जयपुर रह रहा है, उसका परीक्षा सेंटर करौली है, तो उसको किराया लिया जा रहा है, बसों के कंडक्टर द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपको गृह जिले से आना पड़ेगा। इस समस्या का भी निस्तारण आज हो जाएगा, कल सीएमओ में मैं समस्या आपकी रख के आया था। और अभी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी से मेरी फोन पे बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैं आज मीटिंग लेकर इस समस्या का निस्तारण कर दूंगा। जो जो समस्या है मैं आपके साथ हूँ, आपके हर पीड़ा में, हर दुख में मैं साथ हूँ। और जो जो समस्या होगी आप मुझे बताइए, मैं अधिकारियों से, सरकार के मंत्रियों से, सबसे मिलकर समस्या का हल करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोग किसी के बहकावे मत आइए, सोशल मीडिया से दूर रहे। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि 26 तारीख को मैं एग्जाम दू, समय पे पहुंचू और समय पे वापस घर आऊं और मैं परीक्षा में सफल हो पाऊं। क्योंकि कुछ लोग आप लोगों का ध्यान भंग कराना चाहते हैं, कुछ लोगों की मंशा यही है कि कैसे भी ये पेपर आउट हो, लीक हो। लेकिन जिस प्रकार सरकार ने सावधानी बरत रही है, उसके साथ साथ हम सभी को, हमारा कर्तव्य, हमें सजग रहना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा, जहां गड़बड़ी हो सूचित करे। क्योंकि साथियों कुछ कर्मचारी या कुछ स्कूल वाले लिप्त पाए जाते हैं, उनके मन में अब क्या चल रहा है वो हम नहीं बता सकते, न पुलिस बता सकती है। जो गड़बड़ी करेगा वो जेल के अंदर होना चाहिए, सख्त कानून की मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा एसआई भर्ती में जिस प्रकार जो गड़बड़ी हुई, उसके बाद लगातार प्रदर्शन किए, लगातार फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज उठाई, उसका फायदा आपके रीट के अभ्यर्थियों को मिल रहा है, पटवारी के अभ्यर्थियों को मिलेगा। क्योंकि सरकार अलर्ट मोड पे है, पूरे प्रशासन, पूरी सरकार ने जान झोंक दी है। तो साथियों जितना मुझसे हो रहा है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप लोग लक्ष्य से नहीं भटके, शांतिपूर्वक अपने एग्जाम दें और कोई भी गड़बड़ी हो जरूर सूचित करें। जय हिंद, जय भारत।